कानपुर देहात के कस्बा मूसा नगर में दिखा खुशी का माहौल। 73वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षाबंधन के त्योहार पर देखा लोगों में खुशी का माहौल। बहनों द्वारा भाइयों को राखी बांधने को लेकर बाजार में लगा बहनों का तांता। कोई राखी खरीदते हुआ तो कोई सुपर मिठाइयां तरह तरह की खरीदारी करती हुई बहनों से पूछे जाने पर पत्रकारों को बहनों ने बताया, रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर बहुत दूर दूर तक चलकर हम बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने जाती हैं तथा साथ में तरह तरह की राखियां तरह तरह की मिठाइयां खिलाकर भाइयों का आशीर्वाद लेते हैं। आप देख रहे हैं कस्बा मूसा नगर में यूपी से लेकर केंद्र सरकार द्वारा जहां बहनों के लिए राखी बांधने के लिए जाते समय उनके साधन की व्यवस्था, उनके लिए रोडवेज बस की व्यवस्था जहां कहा जा रहा है वहां हम पहुंचते हैं अपने राहगीरों से जो अपने भाइयों के लिए राखी बांधने के लिए अपने अपने घरों में बहने जा रही हैं। आइए उनके संबंध में हम बात करते हैं। कहाँ जा रही है? राखी बांधने जा रही है। ससुराल से आई है, मायके जा रही है। आज ये जो राखी का त्योहार है तो क्या राखी खरीदने आई हैं आप? तो राखी बांधने कहाँ जाएंगी? भैया को राखी बांधेंगे। अच्छा, और खिलाने के लिए क्या लिया है? मिठाई विठाई कुछ लिया है? लिया मिठाई। अच्छा, कहीं ना कहीं खुशी हो रही है राखी त्यौहार में, इसके लिए आप राखी खरीद रही हैं? अच्छा, और क्या क्या तैयारियां की हैं आज? राखी खरीदी है, मिठाइयां ली है। अच्छा, ये राखी का त्यौहार क्या है? क्या क्या रीतियाँ हैं इसकी? क्या क्या है? आज आप भाई बहन का प्यार है। आज आप क्या क्या रीतियों का अनुपालन करने वाले हैं? राखी बांधना, पेड़ा खिलाना, भैया को आशीर्वाद भी देना। और यही से आई है? मायका मायके में ही थी पहले से? नहीं, ससुराल में थे। ससुराल कौन सी है? वही देवी प्रभा बोल रहे हैं।